गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आज आपसे रूबरू हो रहा हूं रिस्ट कोच चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हुए। मुझे पूर्ण आशा है आप सभी लास्ट तक हमारे साथ रहेंगे, ताकि जिससे हम इस टॉपिक का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। टॉपिक का नाम है अटेंडिंग लेक्चर, कन्वर्सेशन और सत्संग इज एन आर्ट। क्या प्रवचन सुनना, कन्वर्सेशन करना या सत्संग एक कला है? हम ओवरसाइट से देखते हुए कहेंगे कि इसमें क्या है, बैठे और जो उन्होंने सुना, जो उन्होंने सुनाया वो सुन लिया, और जब उठे तो बल्ला झाड़ के उठे। हम सब देखते हैं कि प्रेजेंट समय में जो हमारा समय है बहुत ही मूल्यवान है। अगर हम अपने मूल्यवान समय से कुछ समय निकालकर किसी का प्रवचन सुनने जाते हैं, लेक्चर सुनने जाते हैं जो वो किसी टॉपिक पे देता है, या कोई कन्वर्सेशन हो रही है, आपस में वाद विवाद हो रहा है, या सत्संग सुनने जाते हैं, हम देखते हैं कि हम में से बहुत सारे कुछ ही के बाद छोड़ दो, वो तो रिस्पेक्ट के काबिल हैं, वो हर काम बड़ी अच्छी तरह से करते हैं, पर उसमें से बहुत सारे हम जैसे क्या करते हैं कि सुन लेक्चर रहे होते हैं, सुन सत्संग रहे होते हैं, लेकिन वहां पर वो फिजिकली होते हैं, मेंटली वो वहां पर नहीं होते। और जो उस मूल्यवान टाइम में जो वक्ता जैसे सत्संग करता बताता है, वो उसमें से कुछ भी नहीं सुन सकते या बहुत ही कम सुनते हैं। अगर उससे बाहर आगे पूछा जाए कि क्या आज का टॉपिक क्या था, जो आज जो लेक्चर हुआ इसमें क्या डिस्कस किया गया, या जो आज जो ये सत्संग हुआ है इसमें क्या टॉपिक था, वक्ता ने या सत्संगकर्ता ने क्या समझाने की कोशिश करी है, इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी कि हम में से बहुत सारों को तो ये भी याद नहीं होगा कि इसमें मेन टॉपिक क्या था, किस चीज के बारे में डिस्कस किया गया, क्योंकि वे बैठे बैठे मन में अलग अलग तरह के विचार करते गए और सोचते गए। खैर, प्रवचन सुनना या सत्संग पर जाना बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात है। अगर हम बैठ कर भी आ गए हैं तो फिर भी अच्छी बात है, लेकिन जब हमने इतना मूल्यवान समय निकाला ही है तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, क्यों ना हम जो प्रवचन हो रहा है या जो सत्संग हो रहा है उसको अच्छी तरह से सुने। जब हम अच्छी तरह से सुनेंगे, जरा सोच के देखें, अगर हम किसी टॉपिक के बारे में कोई बुक्स पढ़ते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और उनको पढ़ने के साथ साथ उसको याद भी रखना पड़ेगा, और जो हमारा टाइम है वो भी बहुत ज्यादा लगेगा। यही टॉपिक, यही लेक्चर या यही सत्संग
कोई सत्संग करता करता है तो क्या होता है, वो पहले तो बैठकर उसके बारे में स्टडी करता है, उसके बारे में अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन लेता है, अलग अलग जगह से हर तरह से वो अगर सत्संग है तो उसके लिए वो अपना परमात्मा का जाप भी करेगा, नाम भी लेगा, जिससे कि उसका सत्संग जो है वो संगत को अच्छा लगे, उन्हें रास आए, उन्हें थोड़े समय में अच्छी चीजें समझने का समय मिल जाए। कितनी अच्छी बात है कि अगर हम पूरे अटेंटिवली पूरे ध्यान से वो टॉपिक, वो लेक्चर या वो सत्संग हम देखते हैं। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली सत्संग सुनना जो एक आर्ट है, आर्ट कैसे है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर वक्ता हमारे सामने कोई लेक्चर दे रहा है या सत्संग कर रहा है तो सबसे पहले हमारी टॉप मोस्ट ड्यूटी ये होना चाहिए कि हम उसके मुख की तरफ देखें और स्पेशली उसकी आईज की तरफ देखें, और वो जिस मोशन से, जिस तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहा है उसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, जिससे कि वो हमें याद रह सके। और अगर हम जिंदगी में उसके बेस के अनुसार कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो हम वो चेंजेस ला सकें। जो कि अगर हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ें कितना समय लगता है, कोई भी किताब पढ़ें, किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करें कितना समय लगता है, लेकिन परमात्मा की दया से अगर एक अच्छा वक्ता हमें यही चीज समझा देता है तो हम थोड़े समय में ही बहुत अच्छी तरह से हम स्टडी कर सकेंगे। आगे सत्संग से हमें कई तरह की प्राथमिक, व्यावसायिक और हर तरह का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अब जिस भी लाइन के, अगर हम बिजनेसमैन से किसी टॉपिक बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अगर अच्छा सीजन्ड बिजनेसमैन है, अगर अच्छा टीचर है, अच्छा लेक्चरर है या अच्छा सेंट्स है, जिसके भी साथ हमें ऐसा मौका मिलेगा तो वो डेफिनेटली वो हमारी किस्मत में से अच्छे समय में से एक अच्छा समय होगा। इससे हमें प्राप्त सत्संग सुनने से हमें भक्ति योग मिलता है, कर्म योग मिलता है और ज्ञान योग मिलता है, और इस तरह के सभी विषयों से हम परिचित होते हैं। इसी तरह से जब यही टॉपिक किसी दूसरे सब्जेक्ट पे हो, चाहे वो टीचिंग के बेस पे हो, चाहे किसी भी तरह का कोई टॉपिक हो, अगर उस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं तो हमें उस टॉपिक का पूरी तरह से ज्ञान मिलता है। अब प्रत्येक काम मन लगाकर सुनता है। अगर हम चाहते हैं सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हमारी जब हम कोई टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, सत्संग सुन रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रप्शन होती है वो हमारे माइंड की होती है। माइंड की आदत है कि जहाँ बॉडी होगी इसकी कोशिश होगी कि ये बॉडी से परे जाए, बॉडी के साथ ना रहे, ताकि जो ये चीज़ कर रहा है इसको इसका पूरा फायदा ना मिले। हर कार्य मन लगाकर करने से स्वभाव में सुधार आ जाता है। हर कार्य मन लगाकर करता है उसके मन में भी सुधार आ जाता है। जब हम पूरा अटेंटिवली बड़े ध्यान से बड़े मन लगा के काम करते हैं तो मन के स्वभाव में भी सुधार आ जाता है। प्रत्येक कार्य में बुद्धि प्रवेश करेगी और सफलता मिलेगी। जब वो अटेंटिवली स्टेबल होके उसके साथ काम करवाएगा तो बुद्धि भी साथ में आ जाएगी और वो काम जो है वो अल्टीमेट होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अगर सुनते हुए किसी का ध्यान, अगर हम सत्संग सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, उस समय में हमारा जो ध्यान है
वो घर बार की तरफ है या किसी और जगह चला जाता है, तो ठीक ढंग से सत्संग या ठीक ढंग से वो लेक्चर नहीं सुना जा सकता। अब एक बार की बात है कि ऋषिकेश में एक महात्मा, एक सेंट्स सत्संग कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर देते देते उन्होंने बीच में स्टॉप करके पूछा, ऋषिकेश की बात है, कि क्या आपको ये जो अपना रिवर है इसकी आवाज आ रही है, इसका शब्द सुनाई दे रहा है? उन्होंने कहा हाँ सुनाई दे रहा है। कहते पहले भी सुनाई दे रहा था? कहते नहीं सुनाई दे रहा था। पहले क्यों नहीं सुनाई दे रहा था? कहते पहले हमारी अटेंशन इस शब्द की तरफ, जो पानी की आवाज है, जो शब्द है, इसकी तरफ नहीं जा रही थी। जब हमारी अटेंशन इसकी तरफ जानी शुरू हो गई है तो हमें इसकी आवाज जो है वो सुनाई देनी लग पड़ी है। अब जब सत्संग में दिल ना लगता हो, चिंतन करने लगे, सात्विक वृत्ति ना रहती हो और सत्संग में बैठे बैठे नींद आने लग जाती है, क्योंकि सत्संग या किसी भी चीज का जो लेक्चर है उसमें सुनने में रुचि नहीं है, चाहत नहीं है। बहुत सारे कहते हैं जब हम टीचर का लेक्चर सुनने लगते हैं हमें तो नींद आ जाती है। इसी तरह से बहुत से सत्संग जो सुनते हैं वो कहते हैं कि जब भी हम सत्संग सुनने लगते हैं आगे पीछे नींद आए ना आए, अब जो वो नींद वो आ जाती है, चाहत नहीं, इसलिए मन सत्संग में नहीं लगता। अब जब हम मन में ये भूख बना के ही नहीं आए हैं कि आज हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, या आज हम ये पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, हम इससे कोई ना कोई चीज अच्छी लेकर आए हैं, लेकर आएंगे, बेटर चीज लेकर आएंगे, तो हमें हमारा सत्संग में या उस टॉपिक में कैसे मन लगेगा? सत्संग या कोई लेक्चर सुनने की अवस्था में श्रोता को चाहिए कि उसका ध्यान जो वक्ता है, जो डिस्कस कर रहा है, चाहे वो किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है, चाहे वो किसी अपना सत्संग पे डिस्कस कर रहा है, उसका जो ध्यान है उसके मुख की तरफ होना चाहिए, और बेटर है कि वो उसकी आंखों की तरफ देखे। जो श्रोता सत्संग सुनते समय कभी ध्यान इधर उधर करता है उन्हें सत्संग सुनना नहीं आता। जो हमने बात की है आर्ट की, कि ये सत्संग सुनना, लेक्चर सुनना, कन्वर्सेशन करना एक आर्ट है। अगर हम